में जारी विकास कार्य एवं योजनाओं के विस्तार को लेकर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर शामिल रहे। मंडल ने प्रथम सत्र की बैठक में खरीफ वर्ष 2019-20 में धान खरीदी की तैयारी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरों की साफ सफाई, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत आदि कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कहा कि देश में 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदने वाला छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है। यहां पर छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक होती है, इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने राज्य के सभी कमिश्नरों को इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने और धान खरीदी में कोचियों और बिचौलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने को कहा। और इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों के तहत एजेंडा वाइज समीक्षा की गई। जैसा कि सबको पता है कि आगामी कुछ दिवस पश्चात धान खरीदी चालू होनी है, तो मुख्य सचिव का यही निर्देश था सभी कलेक्टरों को कि स्थानीय जो किसान हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और जो बाहर से धान आता है या जिसकी संभावना रहती है उस पर सख्त। इसके साथ साथ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आम जनता के जो आवेदन प्राप्त होते हैं उसका निराकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सभी संभागीय आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वो उसका परीक्षण करें। जो राजस्व से संबंधित मामले हैं, जो शहरी लोगों को पट्टे, गरीबों को पट्टे बंट रहे हैं, इसके अलावा 7500 स्क्वायर फीट तक की ज़मीनें जो जिला कलेक्टरों को आवंटन का अधिकार दिया गया है, नामांतरण बंटवारे के प्रकरण है, डायवर्शन के प्रकरण है, इन सब की भी समीक्षा की गई और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके इसके लिए मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़